की ओर राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। विधानसभा के बजट सत्र को लेकर अपडेट आपको बता रहे हैं। प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। तारांकित प्रश्नों की सूची में 18 प्रश्न शामिल किए गए हैं, तो वहीं अतारांकित प्रश्नों की सूची में 19 प्रश्न शामिल हैं। कृषि, खान, सहकारिता, परिवहन, अल्पसंख्यक मामलात, महिला एवं बाल विकास, युवा मामले, श्रम समेत गृह रक्षा से संबंधित सवाल जवाब आज सदन की कार्यवाही में किए जाएंगे। विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होगी। तारांकित प्रश्नों की और अतारांकित प्रश्नों की सूची जिसके अनुसार सदन में बहस होगी। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता दिनेश कसाना। दिनेश, क्या कुछ अपडेट है आज सदन की कार्यवाही में, क्या कुछ होने वाला है? बिल्कुल, देखिए आशीष, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले दिनों बजट पेश किया है और बजट पर बहस चल रही है सदन में। आज प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही प्रारंभ होगी। तारांकित प्रश्नों की सूची में 18 प्रश्न हैं और उनमें मुख्य रूप से देखिए कृषि, खान, सहकारिता, परिवहन, अल्पसंख्यक, महिला बाल विकास, श्रम और युवा मामलों से संबंधित ये सारे प्रश्न हैं जो प्रश्नकाल में विधायकों की ओर से उठाए जाएंगे। इसके साथ ही जो अतारांकित प्रश्नों की सूची है उसमें 19 प्रश्न है। उसके बाद शून्यकाल में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया जाएगा। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हैं और आमेर से विधायक है सतीश पूनिया, उनकी ओर से सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित किया जाएगा कि जयपुर में राष्ट्रीय और पुरातत्व महत्व के जो स्मारक हैं उनका किस तरह से उचित रखरखाव हो। कला संस्कृति पुरातत्व मंत्री हैं, उनका इस ओर ध्यान आकर्षित सतीश पूनिया की ओर से किया जाएगा। और उसके साथ ही विधायक है संयम लोढ़ा, उनकी ओर से भी एक प्रस्ताव लगाया जाएगा। तो उसमें माउंट आबू नगर पालिका क्षेत्र से पूरा जुड़ा हुआ मामला है, भवन निर्माण मरम्मत के लंबित मामले हैं, उनके मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया जाएगा। इसके साथ ही आज कई याचिकाएं हैं वो भी सदन में लगाई जाएंगी। इंदिरा देवी है, उनकी ओर से याचिका लगाई जाएगी। और इसके बाद सदन में देखिए कई वार्षिक प्रतिवेदन भी है वो मंत्रियों की ओर से रखे जाएंगे। और उसके बाद जो बजट पर बहस चल रही है होगी और बजट पर किस तरह। जी बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता दिनेश कसाना, जिन्होंने बताया कि प्रश्नकाल के साथ आज सदन की कार्यवाही शुरू होगी।